Hello everyone and welcome to my channel. So today I bought a new plant for my garden which is Kentia Palm. Guys, बहुत सारे लोगों को पहली नज़र में ये plant Areca लगा होगा, but ये Areca Palm नहीं है, ये Kentia Palm है, जो बिल्कुल Areca Palm की species का ही plant है, बिल्कुल उसका आप कह सकते हैं उसका cousin है ये. आप दोनों में differentiate बहुत ही मुश्किल से कर पाओगे. गाइज, दोनों में Areca Palm में और Kentia Palm में डिफरेंस ये है कि जो Areca Palm होता है उसकी लीव्स जो होती हैं, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही फाइन होती हैं, बहुत ही पतली पतली होती हैं, और जो ये प्लांट है Kentia Palm, इस प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी थिकर होती हैं Areca Palm के कंपैरिजन में. बट गाइज, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर लगते हैं. सो यस, तो आज मैं इस प्लांट को जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट करने, एंड इस वीडियो में आपको इस प्लांट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आपको इस प्लांट को कहाँ रखना चाहिए, कैसे प्लेस पे, सॉइल कैसी होनी चाहिए, आपको इस प्लांट के लिए सॉइल कैसी रखनी है. सो गाइस, Areca Palm और Kentia Palm दोनों बिल्कुल सेम हैं, वो बिल्कुल सिमिलर हैं. सो आप दोनों की सॉइल भी बिल्कुल सिमिलर रख सकते हैं. आपको बिल्कुल लेना है वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है. और मैंने इस पॉट में लिया है 20% ऑफ वर्मी कंपोस्ट और इसमें 80% ऑफ मेरी नॉर्मल गार्डन सॉइल है. अगर आपके पास कोको पीट है तो आप इसमें 20% कोको पीट, 20% वर्मी कंपोस्ट और 60% अपना गार्डन सॉइल इसमें ऐड कर सकते हैं. नाउ फ्रेंड्स, आपको इसे कैसे प्लेस पर रखना है. सो फ्रेंड्स, Areca Palm और Kentia Palm दोनों बिल्कुल सेम स्पीशीज़ के हैं, दोनों बिल्कुल टोटली इंडोर प्लांट हैं. सो आपको बिल्कुल इन्हें सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए. बट आप इन प्लांट्स को ऐसी जगह रखें जहाँ जो सनलाइट है वो डायरेक्ट तो नहीं आए, बट उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इन पर ज़रूर आए. यानी कि यूँ कहूँ तो ऐसे प्लेस पे आप इसे रखिए जहाँ पे बहुत ही वो एरिया बहुत ही ब्राइट हो, लाइट से बिल्कुल फुल ऑफ लाइट्स हो, ऐसे प्लेस पे इसे रखिए. और फ्रेंड्स, अब बात आती है वाटरिंग की. सो गाइज, इसे आपको वाटरिंग कैसे करना है. सो फ्रेंड्स, आपको इसे बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना है और बहुत कम भी वाटरिंग नहीं करना है. इसमें आपको बिल्कुल सॉइल को सूखने नहीं देना है और सॉइल को बिल्कुल गीला भी नहीं करना है. सॉइल को आपको वेट नहीं रखना है, सिर्फ सॉइल को मॉइस्ट रखना है. जब सॉइल थोड़ी नम सी हो, बस वैसा कंडीशन आपको इसमें इसको प्रोवाइड करना है. सॉइल इसकी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, बट ज़्यादा वेटी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मडी सॉइल नहीं होना चाहिए. और जब सॉइल बिल्कुल से ड्राई सी होने लगे तब आपको इसमें वाटरिंग करनी है. और मेक श्योर कि जिस भी पॉट में आप इस प्लांट को लगा रहे हो वो पॉट में बिल्कुल अच्छे से ड्रेनेज होल एक हो, ताकि जो भी वाटर हो वो ड्रेन आउट होके उस होल से बाहर निकल जाए. सो यस गाइज, दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट Areca एंड Kentia Palm, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट कीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो. ठीक है, नाउ बाय.